नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का, आज शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, सरलीकरण में पहले शुरुआत में देखते हैं दोस्तों, जब सरलीकरण होता है किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम होता है, सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों जो सरलीकरण होता है उससे एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। और एक दो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है। जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो भिन्न में दे देगा, जो भिन्न में दे देगा दोस्तों उसको सॉल्व करना होता है, वर्ड मास पे आधारित दे देता है, ब्रैकेट पर दे देता है, ब्रैकेट को लगा के दे देगा, भिन्न में दे देगा, भिन्न में प्लस माइनस और एडिशन सब करके दे देगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है। तो उसको आप अगर दिमाग से सॉल्व करेंगे, बस इसका बेसिक जान लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सरलीकरण सरलीकरण होता है जो, उसका बस आप बेसिक समझ लेंगे तो उसको आप सॉल्व करने में क्या हो दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर कुछ ट्रिक्स को, कुछ फॉलो को, कुछ क्वेश्चन को सब साथ लेके चलते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं। पहला हम ट्रिक इस पर पढ़ेंगे जो वर्ड मास होता है, ये तो आपको पता है वर्ड मास होता है, ये तो आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। वर्ड मास पे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों इसे पहला बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, और यस फॉर क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोष्टक तो आपको पता ही होगा होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग या भाग फल, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन में गुणा करना होता है, ए फॉर एडिशन, एडिशन में जोड़ होता है, और एस फॉर सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, घटाना होता है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अब यहाँ पे आ गया दोस्तों ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में दोस्तों जब देखते हैं तो ब्रैकेट जो आपका होता है, ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं ये भी आप देख लीजिए कि ब्रैकेट जो होता है चार प्रकार के होता है। एक लाइन ब्रैकेट होता है, एक लाइन ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, और एक मझला ब्रैकेट होता है, और एक बड़ा ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट में आपको चारों दे दे तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड मास के जब फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक से, जब बोर्ड मास के ठीक से हम जब सॉल्व करेंगे मैं सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्वेश्चन का, तो क्या करें, पहले आप बोर्ड बी से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में आप पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर पे आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर पे छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और थर्ड नंबर पे मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और फोर्थ नंबर पे बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मतलब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको पता चल गया कि पहले छोटा लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्लियर हो गया, एग्जांपल लेके देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल जब हम लेते हैं तो देखते हैं इस एग्जांपल से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते रहिए एग्जाम्पल लेकर हम इसको सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल हम बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या। तो पहला एग्जाम्पल इसमें आपको दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, 3 × 0.4 + 8 डिवाइडेड बाई 3.2 + 12 × 0.03। बोर्ड मास इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें पता चले ऑफ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का होता है, इसमें का कहीं दिया है, का कहीं नहीं दिया तो का यूज नहीं करें। डी फॉर डिवाइड, डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन कहीं दिया है दोस्तों तो इसमें देख लीजिए आपको डिवीजन दिया है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एस फॉर सबट्रैक्शन होता है। तो पहले आप डिवीजन कर लीजिए इसका, इसका जब डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +12 × 0.03। 40 कैसे होगा देख लीजिए, जब 8 में आप डिवीजन करेंगे 0.2 का जब डिवीजन करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब एक दशमलव नीचे है तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाता है, 18 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 = 14 आ जाएगा, 18 का मान इतना वो क्लियर हो 40 है। अब यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है इस ब्रैकेट में, आपको देखिए हम ब्रैकेट को अप्लाई करने के लिए बता रहे थे, बोर्ड मास को अप्लाई करने के लिए इसे बता रहे थे, जिसे एग्जाम्पल में दिख रहा है आप, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मल्टीप्लीकेशन दो जगह देख रहा है, दोनों को कर दीजिए, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव तो 1.2 हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ए प्लस 12 × 3 = 36 होता है, दो अंक पे दशमलव तो 0.36 हो जाएगा, इतना आपको क्लियर। अब यहाँ पे आपको एडिशन दिख रहा है, सबको एडिशन कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड जब करेंगे तो 36 = 38 हो जाएगा, और एक अंक 41 = 41 41.38 हो जाएगा, यही आपका मान आ गया।
यही आपका मान आ गया जब आप बोर्ड मास से इसको सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया। पहले आप क्या किए हैं, पहले डिवाइड किए हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, दो है तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए, उसके बाद एडिशन करके इसको सॉल्व कर लिए। इतना आपको क्लियर हो गया। इसको आप डायरेक्ट जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, दिमाग से सॉल्व करेंगे। पहले आप जो दिख रहा है उसको कर लीजिए, पहले इसका मल्टीप्लाई एक साथ कीजिए, इसका डिवीजन भी एक साथ कर दीजिए। डिवीजन करेंगे तो हो जाएगा 1.2 अरे प्लस 40 प्लस 0.36 आ जाए। देखिए इतना प्रोसेस आप किए, उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इन दोनों मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए, इसका डिवीजन कर दीजिए, इतना मान आ जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल का क्या आ रहा है, 48 डिवाइडेड बाय 12 इनटू ब्रैकेट में 9 अपॉन 8 का 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 का 2 अपॉन 3। तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट बोर्ड मास से जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप 48 डिवाइडेड बाई 12 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट लिख ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के अंदर को सब सॉल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करने भी बोर्ड मास का यूज ही करेंगे। पहले कॉ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले कॉ वाले को सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व, क्योंकि बोर्ड मास जब यूज करते हैं तो ऑफ ऑफ पहले आता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है तो इसका क्रॉस इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 8 3 के 24 हो जाएगा। इसको 24 लिख दीजिए, या इसको 24 लिख दिए, या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको हम इरेज अप करते हैं तो यहाँ पे आप 3 से 3 को कट कर दे, 3 3 या 9 4 2 या 8, तो यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 2 आ गया। का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ऑफ का, तो यहाँ पे 3 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड बीच में कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 अपॉन 2 2 जब 4 होता है तो 1 अपॉन 2 आ गया। ब्रैकेट में इतना इजी हो गया, इसको हम जब सॉल्व किए तो इतना आ गया। अब फिर ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 12 इनटू ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, तीसरे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1 कर सकते हैं। जब डिवाइड होता है तो क्या होता है, आप जब मल्टीप्लाई बीच में डिवाइड या मल्टीप्लाई आता है तो जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, अंश हर में आ जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब इसको फिर आप सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक हम इसको बता रहे हैं। डिवाइड 12 कर दीजिए और इंटू इसको कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट हटा दी। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो क्या दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है, एक मल्टीप्लाई दिख रहा है, मतलब गुणा दिख रहा है। तो आप इसमें वर्ड मास में जब जाएंगे तो डिवाइड पहले आता है उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड को जब करेंगे तो 12 23 36, 12 4 48 4 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 तो इसका मान आ जाएगा 12। इनका आंसर आ गया 12। तो देखिए क्या किए दोस्तों, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किए, ब्रैकेट को सॉल्व करके अंत तक लेके आया, जब ब्रैकेट हट गया उसके बाद क्या किए, डिवाइड किए, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए। अगर इसमें और कुछ प्रोसेस होता तो उसको भी कर देते, अगर घटाना होता उसको भी कर देते। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें, इस पर हम समझते हैं अच्छे से। अब इसमें फिर अप्लाई करना है आपको क्या, वर्ड मास को आपको अप्लाई करना है। तो पहले आप बी देखेंगे तो बी कहीं दिख नहीं रहा, ब्रैकेट मतलब कहीं दिख नहीं रहा, वो ऑफ आप भी कहीं नहीं दिख रहा है, इसको ऑफ कहीं दिख नहीं रहा। डी आएंगे, डिवीजन इसमें दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है। तो पहले कर लीजिए 6 प्लस 0.08 प्लस, जब इसको डिवीजन करेंगे जब 6 में 0.3 का डिवाइड करें तो क्या होगा दोस्तों, नीचे का 0.1 अंक पे तो ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 2 6 यहाँ पे 20 आ जाएगा, आपका मान 20 आ गया। तब यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 20 रख दीजिए और प्लस यहाँ पर क्या कर दीजिए, 8 8 इंटू 0.03। अब यहाँ पे डी आपको हो गया, अब यम आता है तो मल्टीप्लीकेशन होता है, देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो एक जगह तो 6 प्लस 0.08 प्लस 20 कर दीजिए और यहाँ पे आएंगे 8 3 के 24, 2 अंक पे दशमलव होगा तो 0.24 हो जाए। सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों ये 24 8 क्या होगा, 8 6 12 3 32 हो जाएगा, 32 जब ये हो जाएगा तो 0.32 होगा, 40 26 26.32 मतलब 26.32 मतलब 3 और 3 और 2, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपके बोर्ड मास जो है अप्लाई करना सीख गए, आप अच्छे से सीख गए होंगे, आई होप आप सीख गए। मैं अच्छा था पूरा कोशिश किया अपने तरफ समझाने के लिए, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज समझ में आया दोस्तों तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे वीडियो आपको मिस ना हो। अगर दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुँच सके। कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेके आऊँगा कुछ ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही धमाकेदार टिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप भीकी स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ।